नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह हमने इसकी लंबाई रखी है, जितनी आपको रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। लंबाई हमने रखी है 14.5 इंच, शोल्डर रखा है 6 इंच, आर्महोल भी 6 इंच। मटके गले का ये डिजाइन है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाना, नीचे इस पर देखिए बॉर्डर इसका लगा हुआ है, तो इस तरह से इसको लगाएंगे। उल्टी वाली साइड में कपड़े की लाइनिंग को लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसे सिलाई डालना है। तो ये नीचे से हमने सिलाई डाली, उसके बाद साइड से सिलाइयाँ पूरे पर डाल देंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया, बराबर से फोल्ड करते हुए एक सीधी लाइनिंग कर लेना है। उसके बाद अब गले की कटिंग करना है, तो उसके लिए हमने ये लिया है बुकरम, और बुकरम पर गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और पूरी लंबाई इसकी लेंगे 10.5 इंच। अब लंबाई आप अपने हिसाब से, साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह गले का निशान करना है, यहाँ पर थोड़ा अंदर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए इस तरह से निशान कर देना है। उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो इस तरह कट कर लिया। अब कपड़े पर रखते हुए देखिए इस तरह से सिलाई डाल देना है। हमने सिलाई लगा ली है, अब दोनों इंसानों को मिलाकर रखेंगे और पूरे गले पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। पहले एक सीधी सिलाई डालेंगे, उसके बाद जहाँ से गले का निशान है वहाँ से सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई लगा ली है, उसके बाद कट कर लेना है इसे। तो अब इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद पूरे गले पर कट लगाएंगे, उसके बाद पट्टी को हमें पलटना है। तो इस तरह से पलटते हुए एक सिलाई ऊपर से गले के डाल देंगे। तो हमने सिलाई लगा लिया, इस तरह से गला तैयार कर लेना है। अब इस पर हमें डिजाइंस बनाने के लिए इस तरह से कपड़ा लेना है। अब इसको फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसे पलट कर सीधा करना है। लंबाई देखिए इसकी ज़्यादा रखनी है, पूरे गले पर इससे डिजाइन रहेगी। तो लंबाई ज़्यादा रखेंगे और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच तैयार रहेगी। पट्टी जो है 1.5 इंच की तैयार रखेंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह इसको पलट लेना है। पलटने के बाद इस पर प्रेस करना है, सिलाई वाली साइड बीच में करते हुए। पट्टी की जो सिलाई वाली साइड है उसको इस तरह से करते हुए प्रेस कर लेंगे। तो ये हमने देखिए इस तरह से कर लिया। अब इसको देखिए इस तरह से डिजाइनें बनानी है। 3 चुनरियाँ बिल्कुल साथ में देना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए, ज़्यादा अंदर कपड़ा नहीं फोल्ड करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा लेते हुए 3 चुनरियाँ साथ में ही बनाएंगे। तो इस तरह से हमें अब पूरे पर बनाना है। 3-3 करके चुनरियाँ डालनी हैं।
तो इसी तरह से पूरे पर बना लेंगे। और देखिए कपड़ा बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पकड़ना है, अगर ज़्यादा इसमें अंदर कपड़ा फूल चुनर ज़्यादा कपड़े लगा कर बनाएंगे तो फिर अच्छे से डिजाइन नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा देखिए पकड़ते हुए तीन चुनर बिल्कुल साथ में ही इकट्ठे करके सिलाई लगानी है। तो ये हमने पूरे पर देखिए यहाँ तक बना लिया है, उसके बाद अभी इसे हाथ से बनाना रहेगा। तो ये हमने मशीन का काम पूरा कर लिया, अब देखिए हाथ से इस तरह से इसे बनाना है और साथ में एक मोती भी लगाना है। अब जो ऊपर वाली चुन्नट है उसको इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और साथ में एक मोती भी लगा देंगे और दो नीचे की छोड़ देनी है, सिर्फ एक ऊपर की उठानी है और इस तरह से देखिए बनाते हुए सिलाई लगानी है। अब सभी डिजाइन इसी तरह से बनेंगी। तो इसी तरह पूरे डिजाइने बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने डिजाइने बना ली है, अब डिजाइन हमारा बन के तैयार हुआ। अब दोनों प्लेट्स बना देंगे लास्ट में, उसके बाद डिजाइन बन के तैयार हुआ। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।